अभिनंदन मिलकर के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, उनके काम और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को लाभ मिले, ये व्यवस्था हम लोग सब मिलकर के करें। सर बीजेपी कह रही है कि 3 साल कुशासन, वो तो अपने लिए कह रही होगी ना, उनका कोई शासन है ही नहीं, उन्होंने लड़ाई भी निकाल दिए 3 साल। उनको चाहिए था कि प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएं, कोई कमी खामी रहेगी ये तो उसको बताएं, वो तो एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करें, कभी वसुंधरा जी के पोस्टर फाड़ रहे हैं, कभी उतार रहे हैं, कभी पूनिया जी के खिलाफ कोई बोल देता है, कालीचरण शराब बेच देता है, कभी कोई किसी के खिलाफ बोल देता है। अनुशासन नाम की चीज नहीं है, जो केडर बेस्ड पार्टी अपने आप को बता दी उसमें कोई अनुशासन नहीं है, कोई उनका एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा है मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं 8-10 मुंह निकाल रहे हैं, तो आप काम ही नहीं करोगे, जनता के बीच में नहीं रहोगे, सरकार की कमी खामी नहीं बताओगे, जनता के मुद्दे नहीं उठाओगे, तो आपको कौन मुख्यमंत्री बना रहा है? MLA 100 आएंगे, 101 आता है, वही तो मुख्यमंत्री बनता है। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की आज जो राजस्थान में स्थिति है बहुत बुरी है, और अब केंद्र में भी उनका डाउनफॉल आने लग गया है। जिस प्रकार से मोदी हटाओ महंगाई घटाओ की शंखनाद यहाँ राजस्थान से हुआ है, तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को आपस की लड़ाई छोड़ करके 2 साल जो शेष बचे उसमें सरकार का ध्यान जनता के मुद्दों के ऊपर केंद्रित करना चाहिए, जिससे सरकार और बखूबी के साथ में अच्छे तरीके से काम कर सके। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं सागर चौधरी, और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना आप बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।